ओके, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विनेशन। क्या पढ़ेंगे? विनेशन। तो विनेशन कितना टाइप का होता है? तो कहेंगे सर दो तरीके का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। क्या होता है विनेशन? फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या वेनलेट इन लीफ ब्लेड या लेमाइना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब विनेशन दो तरीके का होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट विनेशन जब हम पढ़ते हैं तो रेटिकुलेट विनेशन में हमारे काम का चीज़ क्या है? तो कहेंगे सर रेटिकुलेट विनेशन में हमें वेनलेट का नेटवर्क देखने को मिलता है। लिखिए, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ हमें देखने को इम्पॉर्टेंट है। जो वेनलेट है वो क्या बनाती है? एक नेटवर्क। तो आप ऐसे बनाएंगे एक लीफ और यहाँ पर आप ऐसे, फिर आप ऐसे बना लीजिएगा, एक जगह बना लीजिए, बस बहुत इतना ही बना लीजिए। यही है आपका रेटिकुलेट विनेशन। और कहाँ देखने को मिलता है हमें? डाइकॉट्स में, लाइक मैंगो। हाँ चलिए, हेडिंग डालिए पैरेलल विनेशन और पैरेलल विनेशन में लिखिए वेन एंड वेनलेट रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लमाइना। बस यहाँ तक पॉइंट। और एग्जाम्पल लिखिए मोनोकॉक्स, और ऐसे एक बनाना का लीफ बना लीजिए। आपका पैरेलल विनेशन, एग्जांपल मोनोकॉट्स लाइक बनाना। चलो, मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ गई, राइट? तो देख रहे हैं वेन्स एक दूसरे के पैरेलल। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, आगे बढ़ जाऊं। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ लीफ। एक होता है आपका सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। और किस पर बेस्ड है? लिखो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस ऑफ लीफ लमाइना। बस फिर डैश कर देना। सबसे पहले आती है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ के केस में एक डायग्राम बना रहा हूँ ये, और एक और डायग्राम बना रहा हूँ इसमें एक पॉइंट लिखिए। चलें आगे बढ़ूं। डन हो गया। चलिए क्या रह गया? सिंपल और कंपाउंड लीव्स हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये देखो, जब तुम ये वाला डायग्राम देखते हो, ये वाला, तो देखो जरा यहाँ देखना, यहाँ पत्ती यहाँ से शुरू हुई है, ऐसे रन की है, ऐसे गई है,
इंसीजन लगा तो जरूर है, लेकिन इंसीजन ने मिडरिब को टच नहीं किया है। बस यही पॉइंट लिखना है। लेमाइना कैसा है, तो लिखेंगे इंटायर और इनसाइज्ड, बट इंसीजन डज नॉट टच मिड। इंसीजन है तो, लेकिन इंसीजन ने मिडरिब को टच नहीं किया। तो डायग्राम तो मैंने पिछले ही में बनवा दिया था। चलिए आगे बढ़े। अगले वाले में क्या होगा, तो कहेंगे इंसीजन मिडरिब को टच कर जाएगा। लिखो कंपाउंड लीज, लिखो इंसीजन देखो इंसीजन और लेमाइना रीच अप टू मिड। ओके, ब्रेकिंग ब्रेकिंग लेमाइना into number of leaflets, ये important है, ये वाला important है। अच्छा, अगर ये leaf थी, देखना अगर ये leaf थी तो ये petiole था, तो ये अगर कोई ब्रांच रही होगी तो ये लीफ बेस रहा होगा, और अगर ये लीफ बेस है तो यहीं पर स्टिप्यूल रहा होगा, और यहीं पर क्या रहा होगा, एक्सिलरी बड। लेकिन अगर ये लीफ यहाँ कई जगह कट लग जाए, क्या लग जाए, और ये लीफ आगे चल करके कुछ इस तरीके की हो जाए, देखना मेरा सवाल ये लीफ है कि लीफलेट है। लीफलेट कैसे तुम पहचानोगे, अगर ये लीफ होता तो यहाँ पर क्या हो सकता था, स्टिप्यूल, और क्या हो सकता था, एक्सिलरी बड, ऐसा है क्या। तो यही एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लिखेंगे आप लिखिए इन सिंपल या चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड लीफ, जो बड है, बड कैसा बड होता है, हमेशा एक्सिलरी, इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीडियोल और एट लीफ बेस। नॉट इन द मिड रिब, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा है। देखो ये है एक पेड़,
ये है एक लीफ, बहुत इंटरेस्टिंग, देखना मजा आ जाए। अब ये है कि यहाँ अब नाम देखना, नाम ये है आपका मिडरिप, ये है आपका पीटीओर, ये है आपकी स्टेम और ये है आपका एक्सिलरी बड। और यही में हरे कलर से ऐसा और ऐसा बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका स्टीप्यूल। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? चल, ये है मेरा स्टीप्यूल। चलो अब बात आती है कंपाउंड लीफ के टाइप्स की। किसकी? लिखो टाइप्स। एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली। पाम मतलब हाथ के पंजे। देखिए पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ। हो गया, खाली पिनेटली कंपाउंड लीफ लिख दीजिए, उसके नीचे पाम लिख दीजिए, बाकी सब तो सेम रहेगा। पामेटली बात है ना, कैसे मैं लिखता हूँ? अगर मुझे ये चीज़ लिखनी होती तो मैं यहाँ लिखता टाइप्स और मैं यहाँ लिखता पिनेटली कंपाउंड लीफ और यहाँ लिखता पामेटली और कंपाउंड लीफ, है ना? दो बार क्यों लिख? कौन सा ये आपको पेपर प्रेजेंट करना है? करना है क्या? तैयारी करनी है। हेडिंग डालिए पिनेटली कंपाउंड लीफ। देखो नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, और इसी को हम कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं? रैकिस। रैकिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मिडरिप। क्या? मिडरिप। इट रिप्रेजेंट मिडरिप। ये बनाओ नीम और नीम का नीम नीम नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट प्लस एन टी, प्लस एन टी दैट इज प्रेजेंट, प्लस का साइन है ना, प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, जिसको हम रैकिस कहते हैं। रैकिस क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडरिप। नीम बनाओ नीम। नीम की पत्ती जानते हैं कि नहीं? याद नहीं, आगे बढ़ जाएं। हो गया, नोट कर लो। अच्छा चलिए एक एग्जांपल लिखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पामेट्री कंपाउंड लीफ
और पाम इटली, पाम मतलब पंजा, पंजा ये जो तुम्हारा हाथ है, हाथ एक कॉमन पॉइंट पे आकर के रुका है, वहीं पे पूरा पंजा है, राइट। तो इसी को कहते हैं पाम इटली कंपाउंड लीफ। लिखिए लीफलेट्स आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट एट टिप ऑफ पीटियोल, एट टिप ऑफ पीटियोल। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन या बॉम्बेक्स सीबा। अब यहाँ पर देखो, देखो इस बात को इस तरीके से समझो, ये कोई पेड़ है, ये इसकी कोई, यहाँ से लीफ है पूरी है, मेरी बात को समझो, ये है क्या? कहेंगे सर ये तो पीटियोल है, यहाँ पर तुम्हारा बड वगैरह है, और ये क्या है, लीफ है कि लीफलेट है? लीफलेट्स, नोट कर लीजिए। नहीं पता चला संसद में कोई कुर्सी उर्सी उखाड़ दिए, दिक्कत हो जाएगी। तारीख पे तारीख, हाँ पता चला जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं उसमें, स्पीकर, तो कहेंगे चेयर से चेयरमैन साहब तोड़ डालिए ये कानून, फाड़ डालिए कानून की किताबें, तो वो तो बर्दाश्त होता नहीं उनसे। हेडिंग डालिए फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी हेडिंग डालिए फिलोटैक्सी। व्हाट इज फिलोटैक्सी? लिखिए द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, इसी को हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी तीन तरीके की होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। नोट करिए, हो गया नोट? हाँ, इसमें कुछ लिखा ही कहाँ है बेटा। तुम लोग की आदत खराब हो गई है। इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स लिखिए थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड, बात समझ आ गई? कितने तरीके की फिलोटैक्सी है, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। चल ऐसे बनाइए डायग्राम, ऐसे बनाइए, लिखिए लिखिए सिंगल लीफ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल लिखिए DCM,
नहीं ऐसे मत याद करिए, ये लिखिए चाइना रोज मतलब हिबिस्कस मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो एक स्कूल है जिसका नाम है CMS, सुना है? चाइना रोज मस्टर्ड और सनफ्लावर, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब लिखिए ऑपोजिट फिलो टैक्सी। अच्छा एक बार बताइए, चाइना रोज सनफ्लावर और मस्टर्ड। अच्छा मुझे बताओ दतूरा, ये दतूरे का पेड़ है ना, क्या कहते हैं इसको? मदार, मदार, मदार। और गुआवा में क्या खाते हो? मदार खाता है, मदार का फल कोई खाता है? नहीं, हाँ लेकिन जहरीला होता है, लेकिन जो है गुआवा लोग खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों विरोधाभास है ना, अपोजिट बातें हैं। तो लिखो एग्जांपल, ए पेयर ऑफ लीफ अराइजेज एट ईच नोज लाइज अपोजिट टू ईच अदर, और ऐसे डायग्राम बनाओ। और यहाँ पे देखो डायग्राम अच्छा बनाना, एग्जाम्पल लिखो गुआवा और कैलोट्रोपिस। गुआवा और कैलोट्रोपिस, तो जो नीरस और आलसी लोग होते हैं, कैसे? नीरस मतलब मरेल मरेल से, आलस से भरे हुए, तो ये इस चंगुल में अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे रहते हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है जहाँ वो सपनों में डॉक्टर बन रहे हैं, मरीज का इलाज कर रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे सोच लिए, और वो छोटे मोटे डॉक्टर बनते भी नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं। है? नीरस और आलसी लोग सपनों में बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं, जा रहे हैं प्रधानमंत्री का इलाज कर रहे हैं। तो लिखिए, लिखिए वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो लिखिए ऐसे बनाइए और देखिए, एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, देख रहे हैं गुच्छे में। तो लिखिए टू और मोर लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म अ वर्ल, गुच्छा। और कैसे होते हैं आलसी और नीरस लोग? वर्ड में बहुत ज़्यादा आलसी लोग होते हैं कि नहीं? मेहनती लोग वर्ड में ज़्यादा है कम है? कम है। तो याद रखना वर्ड में नीरस और आलसी लोग बहुत हैं। तो फिर एग्जांपल क्या है, नेरियम और आल्स्टोनिया। जैसे आज देखिए बहुत सारे लोग, क्लास की ड्यूरेशन थोड़ा सा आगे हुई तो नीरस और आलसी लोग नहीं आए, वो अपनी दुनिया में है, एब्सेंट हो गए। नोट आगे लिखिए, हेडिंग डालिए इन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, खाली ये लिख लीजिए। लिखिए टू परफॉर्म
functions other than photosynthesis. अब modification कौन कौन से हैं, तो ऐसे करके सबसे पहले लिखिएगा tendril, tendril, spine, storage leaf, phyllode, trap leaf और reproductive leaf. रिप्रोडक्टिव लीफ का मतलब लीफ का एक टुकड़ा लगाया नया पेड़ बन गया, कौन सा, ब्रायोफाइलम. लीफ किसकी, लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई किया टेंड्रिल में ताकि वो क्या कर सके, पेड़ लताएं बनाने में, ताकि वो क्लाइंबिंग कर सके. नोट कर लीजिए मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है, टेंड्रिल, स्पाइन, स्टोरेज लीफ. स्टोरेज लीफ का एक एग्जाम्पल ऑनियन, ऑनियन की जो लीफ है उसमें क्या है, लीफ ही तो खाती है ऑनियन में. कैबेज में लीफ खाते हो ना. चलिए एक एक करके खाली आपको एग्जांपल लिखना है. हेडिंग डालिए टेंड्रिल्स, लिखो लॉन्ग वायरी स्पाइरली, अरे नहीं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर. फंक्शन क्लाइंबिंग. एग्जाम्पल पाइसम सेटाइवम, दैट इज स्वीट पी. ओके, इसमें क्या होगा, लीफ टर्मिनल लीफ किसमें, टेंड्रिल में. आगे बढ़ जाओ, टर्मिनल लीफ किस में कन्वर्ट कर रही, टेंड्रिल्स में. आगे बढ़ जाओ, कृपया करके चश्मे का पावर बढ़वाएं. अब दिख रहा, मैं आगे बढ़ जाऊं, चलिए हेडिंग डालिए स्पाइन. स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. फंक्शन रिड्यूस रेट ऑफ रेस्पिरेशन. और ये पहला फंक्शन है. दूसरा डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स. हो गया, कैक्टस आगे बढ़ जाऊं, अपंशिया एक और एग्जांपल है.
कैक्टस और पंछिया, स्टोरेज लीफ। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। ये वाली कंडीशन पढ़ा था ना, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्लैडोड और फिलोक्लेड, बोला था ना स्टेम मॉडिफिकेशन में। यहाँ पर क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन, फिलोड लिखो। ये पूरा पॉइंट नोट कर लो, पूरा पॉइंट नोट करो। देखो क्या होता है, देखो होता क्या है, समझ लो। ये एक लीफ थी, ये एक लीफ थी, और लीफ में क्या होता है कि ये जो लीफ बेस है ये कुछ दिन के बाद लीफ बेस मर जाता है, लीफ ब्लेड लमाइना मर जाता है। तो जो ये लीफ का ये जो पेटियोल है, लीफ का जो पेटियोल है ये अपने आप को फ्लैशी स्वेलिंग स्वेल कर देता है और सारे क्लोरोप्लास्ट यहीं पे आकर के, तो ये है तो पेटियोल है तो पेटियोल, और यहाँ पर लीफ, यहाँ पर देखो इतने पॉइंटेड हो गई। क्या है ये, लेमाइना, देख रहे हो पॉइंटेड हो गई, और ये क्या है, लीफ बेस। पेटियोल किसकी कैसा हो गया, स्वॉलन, और इनका काम क्या है, तो कहेंगे सर स्वॉलन है, ग्रीन है, तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। पीटीओ का काम होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और किस में देखने को मिलता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। पूरा पॉइंट नोट करिए, चलिए ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया ना नेक्स्ट क्लास का, चलिए थैंक यू।